के लिए ये 2 कप छोले ले लिए मैंने। मैं इन छोलों को अच्छे से धो के और इसको रात भर भिगने के लिए रख दूंगी और रात को ही इन छोलों में मैं खड़े मसाले डाल देंगे अपने। अब इन छोलों को मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। अब इसको इन छोलों को कुकर में डाल देंगे। इसमें पानी डाल देंगे। अब ये छोलों में मैंने पानी डाल दिया है। मैं ये मसाले डाल दूंगी, 2 तेजपान के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चक्रफूल या स्टार एनिस, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 10-12 काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। इनको 6-7 घंटे या रात भर गलने के लिए रख देंगे और जब हमारे छोले अच्छे से भीग जाएंगे तब इसको हम बॉईल कर लेंगे। पिंडी छोले बनाने के लिए अब हम इसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे। मैंने ये पानी बॉईल किया है, इसमें 2 स्पून चाय की पत्ती डाल देंगे ताकि हमारे पिंडी छोले में कलर बहुत अच्छा आए। इसको दोनों अच्छे से उबाल लेंगे हम। ये पानी हमारा उबल गया है, अब इस पानी को छोले में डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे। ये हमारे छोले अच्छे से सोख हो गए हैं। जब गलाने के लिए रखे थे तभी हमने खड़े मसाले डाल दिए थे। अब हम इसको छोलों को बॉईल कर लेंगे अच्छे से। इन छोलों को 4-5 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 प्याज लिए मीडियम साइज के, 10-12 लहसुन ली है, 2 हरी मिर्च ली है और 3 टमाटर लिए हैं और इसको मैं पीस लूंगी। अदरक लिया है, इसको भी काट के डाल देंगे। प्याज लहसुन को पीस लेंगे। तेल डाल देंगे इसमें, ये 2 स्पून तेल है, तेल कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हींग डाल देंगे, प्याज लहसुन का मसाला डाल देंगे, इसको पका लेंगे अच्छे से। प्याज हमारे पूरे भून गए हैं। इसमें मिर्ची डाल दूंगी, मैं हल्दी डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून में धनिया पाउडर डाल दूंगी। भून गया है, ये टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ढक के पका लेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। टमाटर का पानी पूरा सूख गया है, ये हमारा मसाला पक गया है। मसाला पूरा एक साथ इकट्ठा होने लगा है, मतलब कि तेल भी नजर आ रहा है। इसमें मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं अपने छोले डाल दूंगी। ये छोले एकदम गल गए हैं। को प्रेस करेंगे तो ये एकदम से मिश्री हो जाते हैं। अब मैं इसमें ये छोला डाल दूंगी, जो बॉईल करे थे छोले उसी का पानी है ये। इसको बॉईल होने देंगे। अब मैं इसमें मैंगो पाउडर डाल रही हूँ। आप अनारदाने का पाउडर डाल सकते हैं, इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास में अनारदाने का पाउडर नहीं है इसलिए मैं मैंगो पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, छोला मसाला, कसूरी मेथी भून लेंगे। ये कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे हम। अब ये दोनों हथेली के बीच में इसको रब कर देंगे कि कसूरी मेथी को डाल देंगे।
स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से उबल गया है, फिर इसमें धनिया डाल दूंगी। ये छोले हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें एक तड़का डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दूंगी। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी और ये हरी मिर्ची डाल दूंगी। बाउल में निकाल लेती हूँ छोलों को। ये तड़का अब इसमें डाल देंगे। ये मेरे छोले बनके रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।